दोस्तों, माइक टायसन जो दुनिया के महानतम मुक्केबाज रहे हैं का वर्तमान अधिकतर समय व्हीलचेयर पर गुजर रहा है। वो अपने साथ एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाठी रखते हैं क्योंकि फिलहाल इस लाठी के सहारे के बिना माइक टायसन चल नहीं पाते हैं। टायसन की उम्र करीब 58 साल ही है। ये उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि इंसान अपने पैरों पर भी ना चल पाए। वास्तव में टायसन के ऐसे हालात नशे की लत की वजह से हुए हैं, जिसे माइक टायसन खुद भी स्वीकार करते हैं। उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जिस पड़ाव में इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है। शायद माइक टायसन अब उसी पड़ाव से गुजर रहे हैं, वरना उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था और ना ही टूटना। माइक टायसन को जानने वाले आज भी उनकी ज़िंदगी का वो वाक्या सुनाते हैं जब टायसन ने एक ही बार में दुनिया के सबसे महानतम बॉक्सिंग कोच कस डिमाटो को इतना अधिक प्रभावित कर दिया था कि डिमाटो ने यह घोषणा कर डाली थी कि यह लड़का एक दिन दुनिया का महानतम मुक्केबाज बनने जा रहा है। वो वाक्या कुछ अनोखे ही प्रकार से घटित हुआ था। असल में एक पुलिस ऑफिसर जिन्हें यह लगता था कि माइक टायसन एक कामयाब मुक्केबाज बन सकता है, टायसन को मुक्केबाजी का प्रदर्शन करने के लिए कस डिमाटो के पास लेकर आए थे। उस समय टायसन की उम्र मात्र 12 वर्ष ही थी, इसलिए डिमाटो ने कहा कि हमारे पास इतना छोटा बच्चा नहीं है जिससे मैं इस 12 साल के लड़के का मुकाबला करा सकूं। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये लड़का अच्छा है, आप इसका मुकाबला चाहे जिसे करवा कर देख ले। ऐसे में 12 साल के छोटे माइक टायसन की फाइट एक 17 वर्षीय नौजवान के साथ कराई गई। ये नौजवान न सिर्फ माइक टायसन से वजन में 2 गुना अधिक था, बल्कि इसके पास बॉक्सिंग का भी लंबा अनुभव था। नतीजन इस मुकाबले में माइक टायसन की शुरुआत से ही पिटाई होने लगी। पहले राउंड में बुरी तरह से पिटने के बाद कोच डिमाटो को उम्मीद नहीं थी कि टायसन दूसरा राउंड लड़ने के लिए खड़ा हो पाएगा, परंतु टायसन दूसरे राउंड के लिए भी खड़ा हुआ और इस राउंड में भी लगातार घूंसे खाने के कारण टायसन के नाक एवं मुंह में से खून बहने लगा। ये देखकर कोच डिमाटो ने टायसन को रोका और कहा, बस करो, क्या तुम आज यहाँ मरने आए हो? लेकिन टायसन ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि यदि तुमने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया तो फिर हारो या मरो, किंतु कम से कम 3 राउंड तक तुम्हें खड़े ही रहना है। माइक टायसन की हिम्मत देखकर दुनिया के श्रेष्ठतम कोच कस डिमाटो भी हैरान रह गए। उन्होंने एक छोटे बच्चे में कभी ऐसा जुझारूपन नहीं देखा था। जब तीसरे राउंड की शुरुआत हुई तो टायसन पर हमला कर रहा वो 17 वर्षीय नौजवान थक चुका था, लेकिन 12 वर्षीय बच्चे टायसन का जोश ज्यों का त्यों बरकरार था। तीसरे राउंड में छोटे टायसन ने अपने से 2 गुने भारी बॉक्सर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। टायसन के वार इतने जोरदार थे कि उनका विरोधी जल्द ही नीचे गिरकर जमीन सूंघने लगा। ये सब देखकर उसी समय कोच डिमाटो ने टायसन के साथ आए पुलिस ऑफिसर से पूछा कि यह बच्चा तुम्हें कहाँ मिला। इस सवाल के जवाब में ऑफिसर ने कहा कि यह बच्चा अपराधी है और एक नाबालिग जेल का कैदी है। आखिरकार माइक टायसन जेल में कैसे पहुंचे थे, ये जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी की पड़ताल शुरुआत से करनी होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप अपने हाथों को भी आगे बढ़ाते हुए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा डालें। दोस्तों, माइक टायसन, जिनका पूरा नाम माइकल जेरार्ड टायसन था, का जन्म 30 जून वर्ष 1966 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। कहा जाता है कि टायसन बचपन में तोतले हुआ करते थे, जिस वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अपना मजाक उड़ाने वालों को टायसन जाने नहीं देते थे, बल्कि वहीं पकड़कर उन्हें पीट पीट कर छठी का दूध याद दिला देते थे। वैसे भी जिस कॉलोनी में टायसन रहते थे वहाँ अपराध होना बेहद आम बात हुआ करती थी। बार बार लोगों के साथ मारपीट करने एवं चोरी जैसे कई अपराधों के चलते टायसन का भी हर रोज पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। मात्र 13 वर्ष की आयु होने तक वो 38 बार गिरफ्तार हो चुके थे। एक रोज जेल में ही माइक टायसन ने कुछ लड़कों को बॉक्सिंग का अभ्यास करते हुए देखा तो उनमें भी इस कला को सीखने की इच्छा जागी। शुरुआत में टायसन ने सोचा कि यदि बॉक्सिंग सीख लूंगा तो चोरी करने के बाद पकड़े जाने की स्थिति में अपने विरोधी को मुक्के मारकर भाग जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे माइक टायसन को बॉक्सिंग से इस कदर लगाव हुआ कि उन्होंने खेल की हर बारीकी को समझने की ठान ली। वो बहुत जल्द ही अपने अन्य साथियों को बॉक्सिंग में हराने लगे। इसलिए जेल में उनके कोच रहे अधिकारी ने टायसन को और अधिक अच्छी कोचिंग दिए जाने का फैसला लिया। इन अधिकारी ने ही माइक टायसन को कस डिमाटो के सामने पेश किया। पहली ही मुलाकात में डिमाटो टायसन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने टायसन को न सिर्फ प्रशिक्षित करने का फैसला लिया बल्कि टायसन को अपने साथ भी रखा और उनके लिए पिता की भूमिका निभाई। डिमाटो ने टायसन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वो जान गए कि टायसन के उदंड स्वभाव को यदि सही दिशा दे दी जाए तो उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहेगा, अन्यथा ये उदंड स्वभाव खुद टायसन का ही विनाश कर डालेगा। दोस्तों, डिमाटो ने पहले ये पहचाना कि टायसन के भीतर
भीतर ना सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है बल्कि वो गुस्से को इस कदर अपने भीतर दबा लेते हैं कि वो गुस्सा अचानक से फूट पड़ता है। टायसन के इस गुस्सा फूटने की बीमारी को काबू करना बेहद आवश्यक था। टायसन का कहना था कि बचपन में उनके माता पिता के हाथों उन्हें बात बात पर पिटाई मिलती थी। उन्हें कई बार डंडों से इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वो बेहोश तक हो जाते थे। ऐसे हालातों में बचपन गुजारने से उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी जिसे काबू करने के लिए कोच डिमाटो ने बहुत मेहनत की। उन्होंने टायसन को महान अलेक्जेंड्रा से लेकर स्पार्टन्स तक का इतिहास पढ़ाया और समझाया कि कैसे इन लोगों ने अपनी भावनाओं को काबू में रखकर दुनिया को जीता है। डिमाटो ने टायसन को समझाया कि गुस्से को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। गुस्से को दबाओगे तो गुस्सा खुद तुम पर हावी हो जाएगा। गुस्सा तुम्हें कुचल कर विद्रोह कर देगा जिस वजह से तुमसे गलती होगी। गुस्से को दबाने के बजाय उसका इस्तेमाल करना सीखो। गुस्से को एकाग्रता में बदलो। जितना अधिक गुस्सा आए विरोधी के वारों पर उतना ही अधिक ध्यान दो और अपने दर्द को भी उतना ही अधिक भूलने की कोशिश करो। जब भी गुस्सा आए तो उस गुस्से को अपने दर्द की ओर धकेल दो। ऐसा करने से गुस्सा तुम्हारी बुद्धि को नहीं बल्कि तुम्हारे दर्द को खा जाएगा और तुम और अधिक दृढ़ता से अपने विरोधी के सामने खड़े रहोगे जिस कारण तुम्हारे विरोधी का आत्मविश्वास टूट जाएगा। कोच कस डिमाटो के मार्गदर्शन से माइक टायसन की बॉक्सिंग कला में अभूतपूर्व सुधार हुए। वर्ष 1981 और 1982 के जूनियर ओलंपिक गेम्स में टायसन ने लगातार गोल्ड मेडल हासिल किए। फिर वर्ष 1984 में उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित नेशनल गोल्डन ग्लव्स प्रतियोगिता में उस समय के चैंपियन जोनाथन लीटा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब बीते वक्त के साथ माइक टायसन ने बॉक्सिंग में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। साल 1985 की शुरुआत में ही महज 18 साल की उम्र में टायसन ने दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉक्सरों को हरा दिया। उनके घुसे बिजली की भांति अपने विरोधियों पर प्रहार करते टायसन को अब नॉकआउट चैंपियन कहा जाने लगा क्योंकि उनके घुसे खाने वाले बॉक्सर दोबारा लड़ने के लिए उठ नहीं पाते थे। टायसन ने खुद को इस काबिल बना लिया कि वो आखिरी सांस तक अपने विरोधियों से लड़ने में सक्षम हो चुके थे। माइक टायसन अपनी किताब द आयरन एम्बिशन में लिखते हैं कि उनके कोच कस डिमाटो ने उनमें इस कदर परिवर्तन कर दिए जो परिवर्तन किसी आम इंसान को सुनने में भी असंभव लग सकते हैं। टायसन कहते हैं कि बॉक्सिंग के दौरान घुसे खाने पर मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं होता था। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद के शरीर से बाहर निकल आया हूं और अपने आप को ही लड़ते हुए देख रहा हूं। ऐसे हालातों में मुझे भला दर्द का एहसास कैसे हो सकता था। माइक टायसन बचपन से ही बुरी आदतों और नशे के आदि थे लेकिन अब बॉक्सिंग का नशा उनके दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि उन्होंने सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। कोच डिमाटो ने टायसन को एक अलग ही इंसान बना डाला था किंतु डिमाटो का मार्गदर्शन टायसन के साथ हमेशा नहीं रहने वाला था। नवंबर 1985 में वो न्यूमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित हो गए जिस वजह से डिमाटो की आकस्मिक मृत्यु हो गई। हालांकि इसके पश्चात भी टायसन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। साल 1987 में टायसन ने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की। तब वह महज 20 साल के ही थे। एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में टायसन ने 58 मुकाबलों में भाग लिया जिनमें से उन्हें 50 मुकाबलों में जीत मिली और मात्र 6 में ही हार मिली। वहीं 2 मैच रद्द हो गए। खास बात यह थी कि 50 जीते गए मुकाबलों में से 44 मुकाबले टायसन ने नॉकआउट के जरिए जीते थे। लेकिन धीरे धीरे सबको ऐसा लगने लगा कि अपने कोच डिमाटो के गुजरने के पश्चात टायसन की एकाग्रता अब भंग होने लगी थी। अब उनमें पहले जैसा अनुशासन नहीं रहा था। वो उन बुरी आदतों का फिर से शिकार होने लगे जिन्हें छोड़े उन्हें दशकों बीत चुके थे। शोहरत ने शायद टायसन को पहले से भी अधिक बेलगाम बना दिया। वर्ष 1992 में उन्हें बलात्कार का दोषी ठहराया गया और 6 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। टायसन एक बार फिर से उन्हीं जेल की सलाखों में पहुंच गए जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि 3 वर्षों बाद ही वो पैरोल पर रिहा हो गए लेकिन टायसन का वो गुस्सा जिसे काबू में करके उन्होंने अपनी भीतरी शक्ति को जगाया था अब फिर से टायसन पर हावी हो गया। वर्ष 1997 में विपक्षी बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड के साथ चल रहे एक मुकाबले में टायसन को इतना अधिक गुस्सा आ गया कि उन्होंने होलीफील्ड के कान का कुछ हिस्सा अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। वर्ष 2002 में टायसन लेनोक्स लुईस से नॉकआउट द्वारा हार गए। टायसन डैनी विलियम्स और केविन मैकब्राइड से भी लगातार 2 नॉकआउट हारे। इसके बाद टायसन समझ गए कि मुक्केबाजी से अब उनका नाता समाप्त हो चुका है और वर्ष 2005 में टायसन ने प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेना छोड़ दिया। अपने करियर के चरम पर माइक टायसन के पास इतनी दौलत थी कि वो कुत्ते या बिल्लियों को नहीं बल्कि बाघों को पालतू रखते थे। एक समय माइक टायसन के पास 3 रॉयल बंगाल टाइगर थे। ये दावा किया जाता है कि टायसन खुद को और अधिक काबिल बनाने के लिए
बाघों के साथ भी लड़ाई का अभ्यास करते थे। ये भी कहा जाता है कि उनके एक बाघ की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपयों की थी और इन बाघों के रखरखाव पर ही प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च होते थे। लेकिन पिछले साल यानी वर्ष 2023 में माइक टायसन द्वारा घोषणा की गई कि वो दिवालिया हो चुके हैं और अब उनके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची है जिसे वो अपना कह सकें, इसलिए वर्ष 2024 में वो एक बार फिर से बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे। लेकिन लगता नहीं है कि अब ऐसा हो पाना संभव है। माइक टायसन अब 60 साल के होने को आए हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ती है। नशे की बुरी आदतों ने टायसन को समय से पूर्व ही बूढ़ा बना दिया है। अब उनके पास कस डेमाटो जैसा गुरु भी नहीं है जो फिर से टायसन को जीना सिखा सके। ढलते सूरज की भांति अब टायसन की चमक भी फीकी पड़ने लगी है और ये दुनिया केवल उगते सूर्य को ही प्रणाम करती है। वहीं ढलते सूर्य को देखना पता नहीं क्यों लोगों की आंखों को बहुत सुकून देता है। दोस्तों, माइक टायसन के जीवन से जुड़ा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सूचित अवश्य करें। माइक टायसन के उतार चढ़ाव से भरे जीवन के बारे में आपका क्या सोचना है यह कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़े रहें। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।